तो फाइनली हम लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं हाउ टू मैनेज तराज सेलर सेंटर 2024। ठीक है, रिसेंटली तराज का इंटरफेस जो है वो अपडेट हो चुका है, तो करंट लेटेस्ट अपडेट जो है वो हम इस वीडियो पे देखेंगे। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करते हैं तराज सेलर सेंटर। ठीक है, तो सबसे पहले आपने आ जाना है तराज सेलर सेंटर। अगर आप तराज सेलर सेंटर आप लिखेंगे तो गूगल पे आपको पहला लिंक आएगा। ठीक है, इसका लिंक है https://sellercenter.taraz.pk। तो यहाँ से आप जाके जो है वो अपना सेलर अकाउंट एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से आता है। यहाँ पे ऊपर देख रहे होंगे आप पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे, यानी कि आपने अपनी जो सेलर अकाउंट बनाया है वो पाकिस्तान की आईडी पे बनाया है, तो आप पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। अगर आप बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, एक्सट्रा जेड कंट्री हैं तो फिर आप वो सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि पूरे एशिया में है ये, आपके पास सामने कंट्री आ रहे हैं, तो इस वजह से जो है यहाँ पर ऑप्शन दिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया लैंग्वेज, आप चाहे तो इंग्लिश भी कर सकते हैं, आप उर्दू में भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कंट्री चेंज कर लेंगे श्रीलंका या बांग्लादेश, यहाँ पर फिर जो है उर्दू की जगह जो है वो बंगाली आ रहा होगा। ठीक है, तो आपने सिंपल यहाँ पे आईडी डालनी है, पासवर्ड डालना है और लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप लॉगिन करेंगे, तो लॉगिन होने के बाद जो है वो आपका दराज सेलर सेंटर डैशबोर्ड जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो है वो काफ़ी ढेर सारे ऑप्शन हैं, और कुछ ऑप्शन जो हैं वो रिपीटेड हैं, यानी कि कुछ ऑप्शन जो है आप यहाँ शो हो रहे होंगे, कोई ऑप्शन जो है वो यहाँ पर भी आपको शो हो रहे होंगे। ठीक है, तो आप ये देख रहे होंगे मेरे सामने लेफ्ट साइड पे जो है यहाँ पे कुछ कॉलम दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो है ये बड़ा मेन कॉलम है, यहीं से आप जो है अपना सारा डाटा एक्सेस करते हैं, प्रोडक्ट अपलोड करते हैं, ऑर्डर मैनेजमेंट अपलोड करते हैं, फाइनेंस वगैरह चेक करते हैं, और अगर सपोर्ट टीम से बात करनी है तो आप यहीं से करते हैं। ठीक है, ये हो गया, और इसके लास्ट में देखें यहाँ पर आ रहा है तराज का लोगो है। ठीक है, और ये है इंग्लिश, अगर आपको उर्दू में चेंज करना है तो आप उर्दू करेंगे तो यहाँ पर पूरा उर्दू हो जाएगा। ठीक है, और राइट साइड पे देखें यहाँ पे चैट का ऑप्शन आ रहा है, नोटिफिकेशन का ऑप्शन आ रहा है, और यहाँ कंट्री के फ्लैग दिए गए हैं, यहाँ पर सेटिंग है, यहाँ पर नोट है। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं, अच्छा एक चीज़ दिखा दूँ, अगर मैं बांग्लादेश से लॉग इन करने की कोशिश करता जैसे कि यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर देखिए सिटी बने हुए आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर बांग्लादेश पर क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ बांग्लादेश के इंटरफेस पर ले जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखा है सेलर बांग्लादेश, पाकिस्तान लिखा नहीं आ रहा, तो यहाँ देखिए कंट्री भी बाय डिफॉल्ट बांग्लादेश हो गया। जब मैं लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो देखें बंगाली लिखी हुई आ गई। ठीक है, तो जिस आईडी पे आपका जो है वो अकाउंट बना होगा उसी कंट्री से सेलेक्ट कर सकते हैं, ये हो गया। ठीक है, अब चलते हैं, सबसे पहले यहाँ पे ये है क्या, ये नोट, तो इस पर हम क्लिक करके चेक करते हैं। अच्छा, ये नोट जो है वो देखें दिया गया फीडबैक फॉर्म, यानी कि अगर आप कोई दराज का फीडबैक देना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो हाउ विल यू रेट एक्सपीरियंस, क्या एक्सपीरियंस है, क्लासिफिकेशन क्या है, बगैर सजेशन कुछ देना चाहते हैं तो आप यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, कुछ टाइप करना चाहें, कुछ मैसेज देना चाहें, रिव्यू देना चाहें, यहाँ पर भी दे सकते हैं, यहाँ अपलोड कर सकते हैं स्क्रीनशॉट वगैरह करके, आप यहाँ पे इसको सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक इंटरफेस हो गया, ये हमारा हो गया ये ऑप्शन। अब चलते हैं सेटिंग्स पे। ठीक है, ये मैं आपको बता दिया, जिस कंट्री पर आप सेलेक्ट करेंगे उस कंट्री का जो है आपको डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब चलते हैं सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद ये देखें आपके पास ऑटोमेटिक जो है प्रोफाइल, यूजर मैनेजमेंट, अकाउंट सेटिंग, चैट सेटिंग और लॉगआउट खोल लिया। ठीक है, दोबारा क्लिक करो सेटिंग्स में, अभी देखें ये जो है ना, यहाँ पे देखें माय अकाउंट का ऑप्शन यहाँ पे भी दिया गया है, सेटिंग्स, यूजर मैनेजमेंट, अकाउंट सेटिंग, चैट सेटिंग, तो यही ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। अब मैं चाहूँ तो ये ऑप्शन यहाँ से भी एक्सेस कर सकता हूँ, यहाँ से भी एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप लॉग आउट करेंगे तो आपकी आईडी लॉग आउट हो जाएगी। ठीक है, ये तो आपको पता है कि फेसबुक की आईडी कैसे लॉग इन होती है, लॉग आउट होती है। तो अब फिर यहाँ पे चलते हैं हम चैट सेटिंग में, कि चैट सेटिंग है क्या, तो ये चेक कर लेते हैं। चैट सेटिंग में जो है काफ़ी ढेर सारे फीचर्स दिए गए हैं, सबसे पहले चेक कर लेते हैं यहाँ पे वर्किंग हॉर, अगर आप चाहते हैं कि कुछ वर्किंग हॉर या मैंशन करना चाहते हैं कि इस वर्किंग हॉर में जो है मुझे इस वर्किंग हॉर तक मैंने रिप्लाई करना है, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। जैसे कि ये हो गया, कंफर्म कर दिया मैंने, मेरे वर्किंग हॉर्स ये हैं। ठीक है, तो ये हो गया, इस तरीके से यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अलाउ बायर्स टू मेक एन ऑफर, अगर आप चाह रहे हैं कि आपके चैट पर कस्टमर आए, कोई आपको ऑफर, अगर वो आपको कोई ऑफर भेजना चाहे तो आप इसको ऑन कर सकते हैं, यहाँ से ही आपने ऑन कर दिया। एक्सेस मैसेज टू एडमिन, ठीक है, ये आप उसको ऑन ही रहने दें। एडमिन कैन रिसीव एंड रिप्लाई टू इनकमिंग मैसेज, ठीक है, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी कि कस्टमर ने आपको मैसेज किया है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कोई एक नई चीज़ ऐड की है, एनेबल टू असाइन मैसेज टू लाइफ एजेंट। अच्छा, जब हम लाइफ एजेंट से डॉट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर समटाइम वो होल्ड पे डाल देता है। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि द हायर द कैपेसिटी लेवल द मोर कन्वर्सेशन विल असाइन। ठीक है, अगर आप कैपेसिटी इसकी इंक्रीज कर देंगे तो आपको ज़्यादा चांसेस हैं चैट सपोर्ट पर जो है वो बात करने के। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने इसको क्लिक किया, दोबारा क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब मैंने क्लिक किया तो कैपेसिटी यहाँ बाय डिफॉल्ट बनती, मैंने इसको 5 कर दिया। ठीक है, आप देख लें ऐसा होता क्या है, मैं खुद अभी इसको ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सिंपल सा बेसिक इंटरफेस है। अब चलते हैं क्विक रिप्लाई पे।
क्विक रिप्लाई पर ये होता है कि कीवर्ड्स मैचिंग, टर्न ऑन कीवर्ड्स मैचिंग टू फाइंड सेफ क्विक रिप्लाई, ठीक है। यानी कि समटाइम अभी आप लोगों को सलाम टाइप करना होता है तो आप ऐसे एलएम सलाम टाइप कर होते हैं, आप बाय डिफॉल्ट एक शॉर्ट की दे दें तो ऑटोमेटिक भी लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दे दिया गया क्विक रिप्लाई टेम्पलेट्स, तो आप यहाँ ऐड कैटेगरी क्लिक करें, कॉमन रिप्लाईज, ग्रीटिंग, प्रोडक्ट्स। सबसे पहले हमें जो है ग्रीटिंग करनी होती है, ठीक है। आप नाम दे दें ग्रीटिंग का और यहाँ मैसेज टाइप कर दें, अगर आप चाहे तो मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं या आप चाहे तो आप टेम्पलेट बता दें। देखिए ग्रीटिंग मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, अब मैंने उसका सेलेक्ट कर दिया। अब ये बॉर्ड डिफॉल्ट जब एडिटिंग टाइप करूँगा ऑटोमेटिक लिखा आ जाएगा, हेलो वेलकम टू माय शॉप, हाउ मे आई हेल्प यू, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है वो और मैसेज भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे गया मीटिंग में गया, हेलो ये मैंने कर दिया, ठीक है। उस तरीके से मैंने उसका सेव सबमिट पर क्लिक कर दिया, ये सेफ हो गया, ठीक है। इस तरीके से एक टेम्पलेट मेरा हो गया। अब ये कोई रिप्लाई इस तरीके से ऑटो रिप्लाई है, सब टाइम आप चैट पर नहीं होते तो आप ऑटो रिप्लाई ऑन कर देते हैं, ठीक है। तो ये देख लेते हैं किस तरीके से ऑन होगा, ऑफलाइन ऑटो रिप्लाई, ठीक है। आउटसाइड वर्किंग आवर कस्टमर विल रिसीव ऑटोमेटिक रिप्लाई व्हेन दे कॉन्टैक्ट यू आउटसाइड वर्किंग आवर, ठीक है। आपने वर्किंग आवर सेलेक्ट किए होंगे, कस्टमर विल रिसीव ऑटोमेटिक रिप्लाई व्हेन दे कॉन्टैक्ट यू आउटसाइड वर्किंग आवर, ठीक है। यानी अगर 9 to 5 के बाद अगर वो आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वी आर नॉट अवेलेबल, यहाँ स्पेस नहीं दे रहे हैं, चेक कर लेते हैं, ओके कर दिया। इस तरीके से वो ऑटोमेटिक इसको रिप्लाई चला जाएगा, ठीक है। हॉलीडे मोड, कस्टमर विल रिसीव ऑटोमेटिक रिप्लाई व्हेन दे कॉन्टैक्ट यू डायरेक्ट हॉलीडे। सेम टाइम जो है वो स्टोर ऑफ हॉलीडे मोड पर लगा देते हैं, जब आप स्टोर हॉलीडे मोड पर लगाएंगे तो ये यहाँ पर आपको मैसेज दिया गया। हॉलीडे मोड पर क्या होता है कि आपका स्टोर इनएक्टिव हो जाता है, यानी समझ लें कि आप छुट्टी पे घूमने गए हैं तो आपने हॉलीडे मोड पर लगा दिया, तो हॉलीडे मोड पर क्या होगा, जब आपको आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहेगा तो आपको मैसेज लिखा हुआ जाएगा कि हम हॉलीडे मोड पर हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं वी आर ऑन हॉलीडे, ठीक है। इस तरीके से आपने कर दिया। अब यहाँ पर सेटिंग्स चेक कर लेते हैं यहाँ पर क्या है, और सिंपल फेसबुक जो होता है क्विक रिप्लाई शॉर्ट रिप्लाई सिंपल वही है। हेलो थैंक्स फॉर रीचिंग आउट एट फॉर टेम्पलेट डायरेक्शन, ठीक है। आपको इंटरफेस भी दे रहे हैं यहाँ पर, क्रिएट एक्शन लिंक डिफॉल्ट टेम्पलेट कस्टम टेम्पलेट एक्शन, ठीक है। अब आप चाह रहे हैं कोई मैसेज सेंड करें उसके साथ कोई जो है वो आपका फॉलो इनिशन चला जाए तो आपका दराज स्टोर का लिंक चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आप कुछ मैसेज टाइप कर सकते हैं, कन्फर्म करते हैं आप, तो ये जो है वो काफ़ी ऑप्शन दिए गए हैं, आप इसको एक्सप्लोर कर लीजिएगा, इतना ज़रा खास है, ठीक है। अब क्विक रिप्लाई ऑटो रिप्लाई चैट अलर्ट, देखिए रिंग टून लिखी हुई है, जैसे कि कस्टमर आपको चैट पे आके कोई मैसेज करता है तो यहाँ पर आपको फॉरन रिंग टून चले जाए। ये रिंग टून जब आप ऑफलाइन होंगे उस वक्त नहीं आएगी आपको, जैसे आप चैट खोलेंगे नहीं, जैसे आप राउज़ कंट्री पर लॉग इन करेंगे तो आपको रिंग टून फॉरन आएगी, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग अलर्ट में क्या है, ठीक है, 8 AM से लेके 11 PM तक के जो है वो कोई नोटिफिकेशन आते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग अलर्ट कह रहा है, इसको ऑन कर दें आप तो आप कर सकते हैं, ठीक है। कीवर्ड स्ट्राइक क्या होता है, ठीक है, कीवर्ड्स, ठीक है, यहाँ पे कीवर्ड लिखेंगे आप, यू कैन सेट अप ट्रेड पोस्ट कीवर्ड, ठीक है। यानी बेचने से पहले और बाद तो क्या आप ऑर्डर अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप न्यू प्रोडक्ट, हॉट प्रोडक्ट, वॉच कस्टमाइजेशन, कस्टमर्स पर क्लिक कर देंगे, आप कीवर्ड डाल देंगे, प्रोडक्ट टाइप करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, आप चाहे रहे हो आपको रिडायरेक्ट कर दें स्टोर के होम पेज पे, ठीक है। तो आप क्लिक कर दें, जब भी कोई प्रोडक्ट टाइप करेगा तो आपको वो डायरेक्ट स्टोर का लिंक सेंड कर देगा, ठीक है। इस तरीके से जो कीवर्ड के जरिए जो आप कर सकते हैं। ब्लैकलिस्ट कीवर्ड क्या होते हैं, यानी कि कोई पूरे कीवर्ड्स इस पर वो कुछ कर ही ना पाए। अगर मैं यहाँ लिखा चाहूँ आर ई टी यू रिटर्न, देखते हैं होता ही नहीं होता है, सी कीवर्ड कैन ब्लॉक इन चैट में ब्लॉक हो जाए, ये वैसा होगा नहीं, ट्राई कर लेते हैं। समटाइम जो है वो हो गया, ठीक है, कस्टमर जो है वो लगता है हाउ टू रिटर्न प्रोडक्ट, तो वो तरह ऑटोमेटिक स्टेप सेंड कर देता है कि आप इस तरीके से रिटर्न कर सकते हैं। तो खैर देखते हैं इससे क्या होता है। एजेंट स्टेटस क्या है, एजेंट स्टेटस में क्या है, ये खैर या कुछ काम नहीं कर रहा है या ऑफलाइन ऑफलाइन लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गई चैट सेटिंग, आप दोबारा देख लेते हैं कुछ रहते नहीं गया, ठीक है। तो ये सिंपल सा चैट सेटिंग का इंटरफेस था, जब आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं अकाउंट सेटिंग की तरफ। अच्छा, अकाउंट सेटिंग में क्या है, यहाँ पर आपको आपको जीमेल दे रहा है, आपका फ़ोन नंबर दे रहा है और पासवर्ड दे रहा है। यहाँ से जो है आप अपना जीमेल वगैरह फ़ोन नंबर जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं। ये फॉरन एक्टिवेट नहीं होता है, दराज जो है टाइम लेता है, वेरीफाई करता है, उसके बाद यहाँ से एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका अकाउंट सेटिंग। अब चलते हैं यूज़र मैनेजमेंट में। ये देखें मेरी बाय डिफॉल्ट जीमेल है, इसमें फुल एक्सेस लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अगर आपको किसी को एक्सेस देना है तो आप यहाँ से दे सकते हैं। अब एक्सेस देने का तरीका क्या है, देखें यहाँ पर लिखा रहा है एड सब अकाउंट, मैं इस पर क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद जो है वो यहाँ पे क्या देना चाह रहे हैं, आप फुल एक्सेस देना चाह रहे हैं, जो भी एक्सेस देना चाह रहे हैं आप यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे सिर्फ जो है वो स्टॉक अपडेट करने के लिए इसको देना है, या मुझे समटाइम होता है कि हम देते हैं कि प्रोडक्ट अपलोड करने के लिए देते हैं, तो देख लेते हैं प्रोडक्ट अपलोड का यहाँ ऑप्शन है नहीं है, सेलेक्ट प्रोडक्ट एक्सेस, ठीक है। तो उसकी ईमेल डालेंगे यहाँ पर, जैसे कि लेट्स सपोज ईमेल डाल ली, ठीक है, उसका नेम क्या है, ठीक है, और डिफॉल्ट लैंग्वेज क्या है, पासवर्ड वगैरह क्या है, और सेंड कर देंगे।
वही सबमिट करेंगे तो उसके बाद नोटिफिकेशन चला जाएगा। ओके, इस ईमेल पे ऑलरेडी दराज अकाउंट बना हुआ है जहाँ पर लिखा हुआ है ईमेल इज ऑलरेडी इन यूज, ठीक है। तो आपने ऐसी ईमेल देनी है जिसकी ऑलरेडी दराज इसका अकाउंट ना बना उस ईमेल से, तो इस ईमेल से आप जाके उससे एक्सेस दे सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका जब वो इंटरफेस लॉगिन करेगा तो उसमें सिर्फ जो है वो प्रोडक्ट का ऑप्शन इसको शो होगा, बाकी वो ऑप्शन एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये फ़ायदा होता है यहाँ से एक्सेस देने का। अच्छा, यहाँ पर दिया गया रोल्स दिए गए मुख्तलिफ, अगर मैं क्लिक करूँ तो ये रोल्स भी आप दे सकते हैं, और आप ये देखें लास्ट में अपना भी रोल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एड न्यू रूल के उसमें ये होगा कि फर्स्ट आप चाह रहे हैं कि वो प्रोडक्ट भी अपलोड करें, वो मेरा फाइनेंस भी मैनेज करे और चैट सपोर्ट भी बात करे, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। रोल का नाम दे दें, उसके अंदर कुछ मैंशन करना चाहे वो लिख दें, और यहाँ से आप टिक कर सकते हैं जो जो आपने इसको एट्रीब्यूट देना और सेव कर देंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने ये किया है। ऐसे ही आप सेव कर देंगे तो यहाँ पर डिफॉल्ट जो है एक नया रोल जो है वो सेव हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे मैंने किया TF, ठीक है। तब TF ये रोल मौजूद हो गया मेरा। तो इस तरीके से जो है वो आप यहाँ पर भी जाके ये काम कर सकते हैं कि एड सब अकाउंट में जाके देखिए ये आगे खुद रूल बनाया था। तो आप यहाँ से भी जाके आपने कोई भी अपनी मर्जी के 3 से 4 रूल देने हैं, आप यहाँ से भी दे सकते हैं। एक बना के क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक रूल एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी ये हो सकता है। यहाँ पर आपने मैनेज रूल्स, ठीक है, यहाँ पर लिखा है, आप पढ़ सकते हैं कि इसके बारे में क्या क्या लिखा है, क्या क्या वो कर सकता है, ठीक है। लेट सपोज सेलर फुल एक्सेस, सेलर कैटलॉग एक्सेस, ऑर्डर एक्सेस लिख लेते हैं, दस सेलर ऑर्डर, मैनेज टू मैनेज ऑर्डर, व्यू परमिशन में क्लिक करके चेक कर लेते हैं क्या बोल रहे हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि इसका ना वो ये काम कर सकता है जिस पे टिक हुए हैं, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये ऑर्डर एक्सेस में क्या क्या उसे एक्सेस मिल जाएगा तो यहाँ आप जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अकाउंट सेटिंग, यूज़र मैनेजमेंट में आज तक हम लोग गए थे, ठीक है। तो ये हो गया यूज़र मैनेजमेंट। अब देखें यहीं पे आपको वो ऑटोमेटिक लेके आ रहा है, आप यहाँ से क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। अब है प्रोफाइल, ये सिंपल बेसिक इंटरफेस था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे यूज़र इंटरफेस। तो ये उन्होंने काफ़ी लंबा कर दिया, वरना एक ही जगह सारे ऑप्शन होते थे, तो ये इतना लंबा है नहीं। देखे कुछ चीज़ें हमने अभी देखा चैट एक्सप्लोर किया, तो यहाँ पर उन्होंने चैट का ऑप्शन दिया हुआ है। नोटिफिकेशन अभी हम ऊपर चेक करेंगे, देखिए नोटिफिकेशन की सेटिंग दी हुई है। यूज़र मैनेजमेंट हम देख के आए तो इन्होंने यहाँ पर दे दिया, तो सारी चीज़ें यहीं पर दी हुई हैं। अब ये कहें फाइनेंस का ऑप्शन है, देखें फाइनेंस यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर भी दे दिया, और ये सेटिंग है। अभी हम ये देख के आ चुके हैं, ठीक है। तो ये हम जो है अगली वीडियो में देखेंगे।